हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत। अब देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन में आगे की जो भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी टर्म्स हैं जो छूट गए थे फर्स्ट वीडियो में। यहां से स्टार्ट करते हैं। इंक्लिनेशन हम लोग ने देख लिया, स्लोप देख लिया। इंक्लिनेशन एक एंगल होता है, स्लोप आपका क्या होता है, उसी एंगल को टैन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हम लोग ने देख लिया। अब यहां से देखेंगे स्लोप ऑफ टू पॉइंट्स भी हम लोग ने देख लिया है, जो मेन है। अब स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती तो उनके स्लोप में कैसा रिलेशन होता है। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होती तो कैसा होता है। और एक्स कॉमा वाई इंटरसेप्ट यहां तक देखेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, बेसिकली आपका रेशियो बिटवीन वर्टिकल राइज, कोई भी दो पॉइंट के बीच में या कोई भी एक लाइन जा रही है उसका कितना वर्टिकल राइज है और हॉरिजेंटल डिस्टेंस, उसी के बीच का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। दैट इज वर्टिकल राइज अपॉन में हॉरिजेंटल डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हम लोग अगर उस टाइम में बोले, जैसे आपका एक यहां से हम लोग देखेंगे, यहां से अगर आपका एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो दैट इज आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, यहां से हम लोग ने देखा, तो सिंपल सा आपको ये पूरा याद रखना है, यही पूरा आपका, कहीं भी आपको स्लोप निकालने की जरूरत पड़ेगी बड़े इजीली आप स्लोप निकाल लोगे। एम इक्वल टू क्या होता है, स्लोप, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अगर आपको कहीं पे थीटा पता है, अगर आपको कहीं पे थीटा पता है, दैट इज इंक्लिनेशन पता है, उसको टेन के फॉर्म में उठा के रखोगे, आपको क्या उस लाइन का क्या पता चल जाएगा, स्लोप। इसी तरीके से आपको वर्टिकल हाइट, वर्टिकल राइज उसका पता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस उसका पता है, दोनों अपॉन में रखेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा उस लाइन का, स्लोप। इसी तरीके से अगर आपका कहीं पे हम लोग को दो पॉइंट्स उसके पता है, दैट इज एक्स1 कॉमा वाई1, एक्स2 कॉमा वाई2, तो हम क्या करेंगे, वाई2 माइनस वाई1 अपॉन में एक्स2 माइनस एक्स1, तो वहां से हमको क्या पता चल जाएगा, उसका स्लोप। ऐसे ही आते हैं अगले पे, दैट इज ये सारी तो पुरानी चीजें थी। अब आते हैं जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है। इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर कोई भी दो लाइन है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक लाइन लिया ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल होती है तो फिर क्या होता है, देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट इज ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, आपका दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दैट इज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अल्फा, या अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। जैसे ही अल्फा इक्वल टू थीटा हुआ, हम लोग फिर से जाएंगे इंक्लिनेशन पे। इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल होता है। तो जब एंगल ही दोनों सेम है, तो जैसे अगर ये दोनों 30-30 हो गए तो tan 30 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। दैट इज क्या हो जाएगा, दोनों का स्लोप सेम। इसी तरीके से यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। सो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि उनके एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगला देखते हैं, इफ स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल देन दे आर पैरेलल। अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं तो उन लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेलल। अगर कहीं भी दो लाइन के स्लोप इक्वल होंगे तो हम उनको डायरेक्टली क्या बोल देंगे, पैरेलल बोल देंगे। या कभी भी दो लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल है, एक का स्लोप हमको पता है तो दूसरे का स्लोप क्या होगा, सेम। तो पैरेलल मतलब अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, या अगर स्लोप सेम है तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब आते हैं परपेंडिकुलर पे, ये कैसे हुआ, उसी तरीके से हुआ। दैट इज ये आपका थीटा इक्वल टू, यहां से क्या हो गया, थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया। थीटा इक्वल टू अल्फा, अगर हम लोग दोनों साइड टैन लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, टैन अल्फा। ये चीज हो गया। अब यहां से देखते हैं परपेंडिकुलर, बेसिकली अब क्या हम लोग देखेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब क्या होगा, इफ टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे 90 डिग्री अगर फॉर्म कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री दोनों में 90 डिग्री फॉर्म हुआ तो उनके स्लोप्स क्या हो जाएंगे। तो यहां देखते हैं, इफ टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस वन होगा। अगर दोनों का अगर स्लोप मान लें, एक का स्लोप अगर दो लाइन जो परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप अगर हम लोग क्या मान लें, एक का स्लोप अगर हम लोग m1 मान लें और दूसरे का m2 मान लें, दैट इज क्या, एक का स्लोप हम लोग ने m1 मान लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे m2 से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस वन आएगा। क्यों, क्योंकि दो लाइन जब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, जब म्यूचुअली जब परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, माइनस वन होता है। ये कहां से आया, ये भी हम लोग यहां पे देखेंगे। यहां से देखते हैं, जैसे ये आपकी लाइन है, एक लाइन है ए बी, ये आपकी लाइन क्या, यहां से ये एक्स एक्सिस निकला है, ये वाई एक्सिस निकला है, ये लाइन है ए बी, ये लाइन है आपका डी सी या सी डी बोल देते हैं। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट इज यहां पे हम लोग देख सकते हैं, यहां पे लाई कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, जहां पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। यहां से हम लोग इसका इंक्लिनेशन, डी सी लाइन का इंक्लिनेशन कितना ले लेते हैं, दैट इज थीटा, और आपका ए बी लाइन का इंक्लिनेशन कितना ले लेते हैं, 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री फॉर्म करें और कुछ भी नहीं। तो ये 90 और एक क्या हो गया, एक का स्लोप कितना हो गया, एक का स्लोप अल्फा, दूसरे का स्लोप थीटा। ये चीज हो गया। अब यहां से देखेंगे,
थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये आपका ट्रायंगल यहां से ट्रायंगल बन गया डी और इस पॉइंट को अगर ओ बी बोल दें तो डी ओ बी एक आपका क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, इन ट्रायंगल डी ओ बी आपका ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, दैट इज आपका थीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑपोजिट सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो दैट इज आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 90, तो यहां से थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा या अल्फा प्लस 90 बोलेंगे, क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये चीज होता है यहां से। यहां से अब आगे देखेंगे हम लोग टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग ने क्या कर दिया, बस ये चीज यहां से निकाला है जो अपना ट्रायंगल बना है वहां से निकला, अब यहां पे क्या कर दिया दोनों साइड टेन से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा टेन थीटा, यहां से क्या हो जाएगा टेन जैसे ही लिखेंगे तो ये देखिए बाहर टेन लिखा है यहां पे टेन 90 प्लस थीटा ब्रैकेट के अंदर, इसको जब हम लोग टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा, तो यहां से क्या हो गया tan 90 प्लस थीटा को हम लोग ने माइनस cot थीटा कर दिया, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो ये हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेगा, तो यहां से देखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा, क्यों tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा, ये कहां से आया tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, तो अगर tan 90 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा, वही माइनस का साइन कॉमन हम लोग ने पहले से यहां पे लेकर रखेंगे तो अंदर माइनस हो जाएगा, जैसे ही माइनस होगा तो ये पूरा cot थीटा बन जाएगा, और क्योंकि बाहर माइनस का साइन कॉमन रहेगा तो ये cot थीटा बन जाएगा, तो यहां पे क्योंकि यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं अल्फा के टर्म में तो tan 90 प्लस अल्फा cot अल्फा माइनस में cot अल्फा बन जाएगा, तो ये माइनस में cot अल्फा बना 1 अपॉन में tan थीटा इक्वल टू cot थीटा या cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा, ये चीज होता है, तो हम लोग ने यहां से क्या कर दिया माइनस cot अल्फा को 1 अपॉन में tan अल्फा बना लिया, तो माइनस क्योंकि ये आगे बढ़ता चला जाएगा यहां से इसी तरीके से ये माइनस आगे बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया माइनस 1 अपॉन में tan अल्फा हो गया, तो यहां से tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में tan अल्फा, ये tan अल्फा जब इधर आएगा तो tan थीटा इंटू tan अल्फा इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1, tan थीटा क्या है इसका स्लोप है पहली वाली दैट इज आपका डीसी लाइन का स्लोप tan थीटा है और AB लाइन का स्लोप कितना है tan अल्फा है, तो tan अल्फा क्या हो गया tan अल्फा आपका m2 अगर हम लोग मान लेंगे और दूसरे पहले वाले को क्या मान लेंगे m1 मान लेंगे तो m1 into m2 क्या आ जाएगा फाइनली माइनस 1, जो आपका स्लोप निकालने पे आता है जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये कहां से आया ये आपका बेसिकली इसी से डिराइव होके निकला है, तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे जब दो लाइन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी दैट इज परपेंडिकुलर ऐसे 90 डिग्री फॉर्म करेंगी, तो m1 एक का अगर हमको स्लोप पता है एक का स्लोप अगर हम लोग को पता है माइनस 3 तो यहां पे उठा के माइनस 3 रख देंगे दूसरे का निकाल लेंगे माइनस 3 उधर भेजेंगे तो 1 अपॉन में दैट इज 1 अपॉन में 3 हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दूसरे का स्लोप अगर एक का स्लोप है 3 तो दूसरे का स्लोप 1 अपॉन में 3, इस तरीके से जब ये जब म्यूचुअली जब परपेंडिकुलर होंगे तब होगा। अब यहां से देखते हैं आपका क्या एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट क्या चीज होता है ये चीज, इसके बाद हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर आपको स्लोप एक बार निकालने आ गए तो इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ भी नहीं, स्लोप कैसे आपको इंटरसेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है इंटरसेप्ट एंगल होता है, इंटरसेप्ट से जब आगे बढ़ेंगे तो आपका वहीं पे एंगल में ही टैन लगा देंगे तो स्लोप बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हम लोग को वर्टिकल राइज अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग को पता होगी तो हम लोग स्लोप निकाल लेंगे या वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, इस तरीके से स्लोप निकाल लेंगे, दो लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप सेम होंगे, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू माइनस वन होगा। अब यहां से आते हैं एक्स कॉमा वाई इंटरसेप्ट देखेंगे, एक्स कॉमा वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है ओरिजिन दैट इज आपका, जैसे यहां से देखें हम लोग ये इस तरीके से आपका ग्राफ है, ये इस तरीके से आपका ग्राफ है यहां से, तो ये सेंटर में जो हो गया जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है वो क्या हो गया ये वाला पॉइंट ओरिजिन हो गया, जैसे हम लोग ओरिजिन से इधर मूव करें या इधर मूव करें तो हम लोग एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे, तो ओरिजिन से जो भी सपोज यहां पे एक पॉइंट लाई कर रहा है ये एक पॉइंट लाई कर रहा है तो ओरिजिन से जो इस पॉइंट की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी वो आपकी एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगी, या हम लोग एक पॉइंट को यहां पे लाई कर देते हैं सपोज ये आपका एक पॉइंट यहां पे लाई हो गया तो ओरिजिन से जो भी आपकी यहां की एक्स एक्सिस पे जो भी ये जो पॉइंट लाई कर रहा है उसकी जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। इसी तरीके से वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे आपका ये ओरिजिन है ओरिजिन से यहां पे पॉइंट लाई कर रहा है तो ओरिजिन से यहां के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो यहां से देखते हैं एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट, तो मतलब ये क्या है एक डिस्टेंस होती है, जैसे ये ओरिजिन है ये आपका एक पॉइंट लाई कर रहा है ए,
तो ओ ए क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट यहां पे कहलाएगा। इसी तरीके से द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सेस फ्रॉम द ओरिजिन इज नोन एज वाई एक्सेस। तो ये जीरो, जैसे ये आपका ओ हो गया, ये बी हो गया, तो ओ बी की जो डिस्टेंस होगी दैट इज बी आपका वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है, तो ओ बी क्या हो जाएगा आपका वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो हम लोग ने यहाँ से इंक्लिनेशन, स्लोप अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ एनी टू पॉइंट, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, एक्स इंटरसेप्ट। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, एंड कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू।